मुंबई ने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। लखनऊ ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बनाए। जवाब में मुंबई 20 ओवर और 6 विकेट पर 196 रन ही बना सकी। अब बात करते हैं आज के मैच की। आरसीबी और सीएसके की टीम अब तक आईपीएल के इतिहास में कुल मिलाकर 32 बार आमने सामने आ चुकी है। इसमें से 10 मैच आरसीबी ने अपने नाम किए हैं, वहीं 21 मुकाबले सीएसके ने जीते हैं। एक मैच ऐसा भी रहा है जिसका परिणाम नहीं निकल सका है, यानी इस लिहाज से देखें तो सीएसके का पलड़ा भारी है। लेकिन मैच बेंगलुरु में खेला जाएगा। अपने होम ग्राउंड पर आरसीबी की टीम कुछ अलग ही अंदाज में खेलती है। हालांकि इससे पहले जब इसी साल दोनों टीमें एक दूसरे से भिड़ी थी, तब चेन्नई सुपर किंग्स ने बाजी मारी थी। लेकिन आज दो बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आमने सामने होंगे। एक तरफ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से हम बात करें तो एमएस धोनी होंगे, दूसरी तरफ विराट कोहली होंगे। अब राजकुमार शर्मा, विराट कोहली के कोच, हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार शर्मा सर, आपसे एक चीज, सबसे पहले तो कल के मैच को लेकर, क्योंकि मुंबई एक बार फिर से मुकाबला हार गई है और अगर पॉइंट टेबल की हम बात करें तो सबसे आखिरी नंबर पर मुंबई है इस वक्त। क्या इस तरह की कंडीशन मुंबई की कभी किसी आईपीएल में आपने देखी है जो इस बार हम देख रहे हैं, सबसे आखिरी नंबर पर आना? और जब हम देख कहते हैं कि सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, सबसे बड़े प्लेयर्स एक तरह से कह सकते हैं, और हम देखते भी हैं किस तरह का परफॉर्म करती है, 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। नोएल डेविड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार सर, पहले आप बोलिए। बिल्कुल अनन्या, आप ठीक कह रहे हैं। मुंबई से किसी को भी ऐसी आशा नहीं थी कि ये प्रदर्शन रहेगा उनका, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम हैं उनके टीम में, एज ए प्लेयर भी और एज ए सपोर्ट स्टाफ भी। बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी मानी जाती है, एक बहुत बड़ी टीम मानी जाती है, और प्रदर्शन भी बहुत शानदार रहा है उनका। 5 बार के चैंपियंस हैं वो, तो हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्लेऑफ में तो जरूर आएगी ही, और वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन इस बार का प्रदर्शन देखकर तो बहुत ही दुख हुआ है कि वो लास्ट पायदान पर है, जो कि बहुत ही शॉकिंग न्यूज है मुंबई के फैंस के लिए, वहां के प्लेयर्स के लिए। और प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है, आप किसी भी फॉर्मेट में देखें, किसी भी उसमें देखें, भले बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, गिनी चुनी अच्छी परफॉर्मेंसेस पूरी आईपीएल में देखने को मिली है अभी तक मुंबई के प्लेयर से, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं होता, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े नाम हैं। रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, तिलक है, तो बहुत अच्छी टीम है, सूर्य कुमार यादव है, तो ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि इस टीम का हश्र ऐसा होगा, बट अनफॉर्चुनेट है ये कि वो आज लास्ट पायदान पर है। नोएल, आपको क्या लगता है जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस फैंस रखते हैं मुंबई इंडियंस से, क्या इस बार वो मैच देखने को मिला एक बार भी? हालांकि राजकुमार सर कह रहे हैं कि कभी कभी हमने देखा कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हुई, लेकिन उसे भी क्या जस्टिफाई आप कर सकते हैं? क्योंकि आप देखिए, जब आप बड़े प्लेयर्स के साथ टीम मैदान में उतरती है, बड़ी फ्रेंचाइजी होती है, तो जाहिर सी बात एक्सपेक्टेशंस भी बड़ी हो जाती हैं।